जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस तरह के सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। सवाल है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों धारा, प्रत्यार्थी धारा और डिस्ट धारा, दोनों धारा प्राप्त होती है। आपका दूसरा सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उष्मीय। आपका तीसरा सवाल जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लाल। आपका चौथा सवाल, इस तरह के सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिथियम। आपका पांचवा सवाल, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उपचयन, ना कि अपचयन, ऑप्शन सी है। आपका छह, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जनित्र। आपका सातवां सवाल, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईस्ट। आपका आठवां सवाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रिज्म। आपका नौवां सवाल, देखने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एमीटर। आपका दसवां सवाल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, CuSO4 × 5H2O। आपका ग्यारहवां सवाल, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? इस तरह के सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, CaCO3। आपका बारहवां सवाल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका इसका सही जवाब होगा C12H22O11। आपका तेरहवां सवाल, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? आपका सही जवाब उत्तल लेंस। आपका चौदहवां सवाल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस तरह के सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सवाल है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस का। आपका पंद्रहवां सवाल, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वोल्टमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।